सो दिस इज नॉट हैड ऑन मीन्स हैड ऑन कॉलीजन नहीं है इट मीन्स कॉलिजन के बाद ये सेम लाइन में मूव नहीं करेंगे इलेट से जो फर्स्ट वाली बॉल है वो किसी एंगल थीटा वन पे मूव करने लगी विथ समसिटी इलेक्ट से वी वन और जो सेकेंड वाली बॉल है वो मूव करने लगी एट डिफरेंट एंगल लेट से थीटा टू विथ डिफरेंट वैलासिटी इलेक्ट से वी टू राइट सो हमें बताना है दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री पे मूव कर रही है इट मीन्स जो एंगल है बिटवीन द मोशन ऑफ द टू बॉल्स दैट इज थीटा वन प्लस थीटा टू दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री ये हमें प्रूफ करना है राइट सो पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं सो देखो ये यू नो ऑब्लिक कॉलिजन है ऑब्लिक कॉलीजन में जो मोशन होता है एक प्लेन में होता है एक लाइन में नहीं होता राइट सो लेट मी डिफाइन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन सो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हेड ऑन कॉलिजन होता है तो एक ही इक्वेशन आती है क्योंकि वहाँ पे लाइन के अलॉन्ग मोशन होता है राइट और यू कैन से सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोशन होता है बट यहाँ पे हम ईजिली uh, दो इक्वेशन लिख सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की और आप देखो मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा कॉलिजन के टाइम पे बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता सिस्टम पे सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम राइट फाइन सो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी सिंपली एम इन टू यू दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन नौ पहले हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा वेलोसिटी के जैसे v1 है सो so इस डायरेक्शन में होगा v1 का कॉस थीटा वन राइट ये एंगल थीटा वन है सिमिलरली वाई डायरेक्शन में होगा v1 का साइन थीटा वन राइट अब सेकेंड वाली बॉल की बात करें सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर एक्स डायरेक्शन में v2 का कॉस थीटा टू एंड नीचे के तरफ होगा v2 का साइन थीटा टू राइट नाउ फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन विल बी जो फर्स्ट वाली बॉल है एम इंटू इसकी वैलासिटी दैट इज़ वी वन थीटा वन प्लस सेकेंड वाली बॉल उसकी वैलासिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट इज़ वी टू कास् थीटा टू राइट सो यहाँ से देखो एम 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 कैंसल हो गया सो यू इज इक्वल टू वी वन थीटा वन प्लस वी टू इंटू कॉस थीटा टू फाइन एक इक्वेशन नहीं आ गई सेकेंड इक्वेशन आएगी फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था सो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए इट मीन्स जो फर्स्ट वाली बॉल है उसका जितना मोमेंटम प्लस वाई डायरेक्शन में है मीन्स एम इन्टू वी वन का साइन थीटा वन राइट उतना ही मोमेंटम होगा सेकेंड वाली बॉल का इन माइनस वाई डायरेक्शन दैट इज़ एम इंटू वी टू इंटू साइन थीटा टू राइट सो यहाँ से देखो सेकेंड इक्वेशन जो आ रही है इस तरह से सेकेंड इक्वेशन आ गई और कोई इक्वेशन है यस दिस इज इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है मीन्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा राइट सो कानेटिक एनर्जी कंजर्व होगा मीन्स इनिशियल कानेटिक एनर्जी दैट वॉज हाफ ऑफ एम इंटू यू स्क्वायर दैट शुड शुड भी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम इंटू वी वन स्क्यर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी टू स्क् सो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर फाइन सो so, आप देखो हमें क्या चाहिए हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू मीन्स थीटा वन और थीटा टू हमारे डिजायर्ड uh, वेरिएबल है बाकी के जो वेरिएबल्स हैं लाइक वी वन वी टू यू इन सबको हमें एलिमिनेट करना है सो so, हमें तीन वेरिएबल एलिमिनेट करना है और उसके लिए हमें तीन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी आप देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन सो वी कैन एलिमिनेट थ्री वेरिएबल्स फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशन अब किस तरह से करना है आप देखो एक काम करो यू का वैल्यू निकाल के थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से यू का वैल्यू निकाल के हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे सो देखो यू एलिमिनेट हो जाएगा राइट सो समथिंग लाइक दिस वी वन कॉस थीटा वन प्लस वी टू कॉस थीटा टू इट्स स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर सो चेक करो कितना आ रहा है ये वी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस वी टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस टॉइस ऑफ वी वन वी टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू दैट शुड बी इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर नौ वी वन स्क्वायर वाले टर्म्स को अगर मैं एक तरफ लेता हूँ सो आप देखो वी वन स्क्वायर और यहाँ पे वी वन स्क्वायर सो ये वी वन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा राइट सिमिलरली वी टू स्क्वायर का टर्म हम एक तरफ लेंगे सो ये क्या हो जाएगा ये दोनों टर्म्स अगर मैं एक, तर, एक साथ लेता हूँ सो वी टू स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू राइट right? सो so ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा वन और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा टू सो आप देखो जो इक्वेशन निकल के आ रही है दैट इज टॉइस ऑफ वी वन वी टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू दैट शुड बी इक्वल टू वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस वी टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू फाइन अब वी वन और वी टू को भी हमें एलिमिनेट करना है सो so आप देखो जो इक्वेशन हमारे पास बचा है Uh, हमने सेकेंड इक्वेशन का यूज़ नहीं किया ना वी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा टू राइट वी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा टू सो देखो वी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा टू मीन्स ये दोनों बराबर हैं सो so, आप एक काम करो इसे इस तरह से लिख लो वी वन ऑफ वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन राइट और यहाँ से देखो फिर ये टू से टू कैंसिल हो रहा है और वी वन भी कैंसिल हो रहा है सो वी वन एक कैंसिल हो गया सो वी टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू दैट शुड बी इक्वल टू वी वन साइन स्क्वायर थीटा वन फाइन सो अब जो इक्वेशन है वी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा टू ये सेकेंड वाली इक्वेशन है ना मैंने वही लिखी है वहाँ से अब हमें और कुछ एलिमिनेट ये वाली इक्वेशन वी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा टू अब देखो इसमें हम एक चीज़ और एलिमिनेट कर सकते हैं वी वन और वी टू को यू कैन पोट वी टू इन टर्म्स ऑफ वी वन वी टू को आप क्या लिख सकते हो वी टू को आप लिख सकते हो वी वन साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा टू राइट सो देखो वी वन और वी वन भी कैंसल हो गया दोनों तरफ से फर्दर साइन थीटा वन भी एक कैंसल हो रहा है सो so इक्वेशन निकल के आ रही कॉस थीटा वन इंटू थीटा टू दैट शुड बी इक्वल टू साइन थीटा वन इं साइन थीटा टू राइट right? सारे वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गए अननेसेसरी वेरिएबल्स सो थीटा वन और थीटा टू के टर्म्स में आपको एक इक्वेशन मिल गई आप एक काम करो इसे इस तरह से लिखो इस तरह से क्यों लिखना है बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू राइट कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू दैट शुड भी इक्वल टू जीरो इट मीन्स थीटा वन प्लस थीटा टू शुड बी नाइनटी राइट सो इस तरह से वी कैन से कि दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर Fine. So I think uh, you have understood. Let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye. <laughs>